दिन होता है ये, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे लिए आए और इतना वक्त दे रहे हैं। और दूसरा जो इस फिल्म में है कि हम ऑडियंस को जो मैसेज दे रहे हैं उसके थ्रू, अगर मेरी खूबसूरती के बारे में बोला जाए तो मुझे तो पता नहीं, आप सब और हमारे पब्लिक को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि वही बता पाए मुझे कितना चाहेंगे, वो तो उनके ऊपर है। मनीषा बात करें, फिल्म अभी देख रहा था, फिल्म नहीं देख रहा था, ट्रेलर देख रहा था, जितने लोग बैठे हुए थे थिएटर में जी, आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी, सब कैसे लग रहे थे? ये तो गॉड गिफ्ट है। और दूसरा आप सबका और हमारी टीम का, हमारी ऑल टीम और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड विथ ऑल को आर्टिस्ट, सबका सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा काम कर पाई हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और सबकी आंखें थम गई तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, कि आने वाले टाइम में सबकी आंखें थम ही रहेंगी मुझे देखने के लिए। मनीषा जी, आपकी जो फिल्म आ रही है, आखिर किरदार की बात करें, किरदार के बारे में एक सोशल मैसेज भी है इसमें, या या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे प्रेरित है क्या फिल्म के बारे में और आपके किरदार के बारे में? जहाँ तक आपने सुना कि दहेज अनब के खिलाफ ये फिल्म है, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत रोमांटिक भी है, ऐसा नहीं कि हमने सब चीज़ मिक्सअप किया है, सो कुछ चीज़ें देखने के बाद ही पता चलेगी। मनीषा जी, आपकी जो फिल्म आ रही है आखिर कब तक जी? एक मैसेजर फिल्म है, लेकिन यूपी बिहार की जो समस्याएं आपकी फिल्म उठा रही है, वहाँ पे बहुएं हर घर में चाहते हैं, सब लोग बहू चाहते हैं, लेकिन बेटी पड़ोसी के घर में चाहते हैं, आपका क्या इस पर मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? भाई बेटी तो अपने घर ही होनी चाहिए, लक्ष्मी तो हमारे घर होगी तो ही हमें उसकी तसल्ली मिलेगी, नहीं तो फिर दूसरों के घर में बेटियाँ होगी कोई मतलब नहीं है ना, बहू तो बहू होती है, बेटी तो बेटी आखिर कब तक एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा टाइटल दिया है, और इस टाइटल में बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो कि हम आपको इस समय नहीं खोल सकते, बाद में बताएंगे। जैसे कि होता है कि के महीने पगार मिलता है ना, एक तारीख को, एक तारीख अच्छा वैसी हो गई, मीडिया से इंटरेक्ट कम होता है, किसी ओकेशन पे ही होता है, क्या आप नहीं चाहती है कि बार बार मीडिया से इंटरेक्ट हो सके? मुझे लगता है कि आप लोग मुझे इतना चाहते हैं कि आप लोग मुझसे दूर होंगे ही नहीं, हमेशा मेरे आसपास रहेंगे, और मैं ज़रूर हमेशा ऐसे अच्छे काम करती रहूँगी जिसकी वजह से आप लोग को मेरे पास आना पड़े और मुझे आप लोग के पास। चलते चलते एक आखिरी सवाल मनीषा, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म से, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या जैसा इस फिल्म में है आपके आपके फिल्म देखने के लिए थिएटर तक आना ज़रूरी है या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगी, और आज के टाइम में हीरो वही है जो पब्लिक को फीलिंग दे सके, पब्लिक को रुला सके, पब्लिक को इमोशनल कर सके, तो इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को, जो हमारे हर घर को बहुत अटैच करती है, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक हमें एज अ एक्ट्रेस या एक्टर एक्सेप्ट करती है तो वो हमें ज़रूर देखने आएगी, और पब्लिक से गुजारिश है। हाँ झूमते हुए आएंगे ज़रूर, पर देखने के बाद थोड़ा सस्पेंस में रहेंगे। आखिरी सवाल मनीषा, कब फिल्म रिलीज हो रही है? हमारी फिल्म आखिर कब तक, 14 अक्टूबर में रिलीज़ हो रही है, और काफ़ी स्टेट्स में रिलीज़ हो रही है एक साथ, सो आई ब्लेस एंड आई थैंकफुल टू यू एंड ऑल पब्लिक एंड ऑल मीडियाज कि आप सब इस चीज़ को प्रमोट करें और ये फिल्म बहुत अच्छे से थिएटर में चले, एंड पब्लिक हमारी हीरो है, मुझे इतना पता है, वही हमें जिता सकती है। थैंक यू। ओके।